एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यानो और योशिडा स्कूल में आती है और अब वह वहाँ पर सावाको को देखकर उसे ग्रीट करती है। यह देखकर वहाँ सावाको काफ़ी खुश हो जाती है और सोचने लगती है, आज मेरा बचपन का सपना पूरा हो गया, मैं चाहती थी कि स्कूल में मुझे भी कोई ग्रीट करे। अब वह दोनों सावाको के पास आती है और बोलती है, कुछ हुआ है क्या? सावाको बोलती है, आज मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। योशिडा बोलती है, फिर तुमने ऐसा चेहरा क्यों बना रखा है? तुम्हें देखकर हमें ऐसा लग रहा था जैसे तुम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो। अगर तुम खुश हो तो तुम्हें स्माइल करना चाहिए। अब वहाँ पर सावाको स्माइल करती है। यह देखकर यानो बोलती है, रुक जाओ, तुम्हें स्माइल करने की कोई ज़रूरत नहीं। योशिडा बोलती है, अब तुम हमें डरा रही हो। और तभी वहाँ पर काजेहाया और रियू आते हैं। अब काजेहाया सावाको को ग्रीट करता है। यह देखकर वहाँ सावाको काफ़ी खुश हो जाती है। अब काजेहाया रियू को भी ग्रीट करता है। सावाको भी रियू को ग्रीट करती है। अब रियू सावाको से बोलता है, तो क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हारा नाम भूल गया। तभी योशिडा बोलती है, तुम सच में बेवकूफ़ हो रियू, तुम्हें अपने क्लासमेट का नाम भी याद नहीं। अब सावाको बोलती है, नहीं, इसमें रियू की कोई भी गलती नहीं है। और अब सावाको रियू को अपना नाम बताती है। अब रियू बोलता है, मेरा नाम सानाडा रियू है और मुझे लोगों के नाम याद रखने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, तो प्लीज़ तुम मुझे इसके लिए माफ़ कर दो। अब वहाँ पर सावाको सोचने लगती है, काजेहाया की ही वजह से यह सभी लोग मेरे पास बैठने के लिए आए और अब इन सभी की वजह से मेरी लाइफ धीरे धीरे चेंज हो रही है। तभी काजेहाया बोलता है सावाको, एक्चुअली में मैंने अभी तक उस पपी का कोई भी नाम नहीं रखा है, क्योंकि मुझे उसके लिए कोई भी अच्छा नाम नहीं मिल रहा है, तो क्या तुम मेरी इसमें कुछ मदद करोगी? और तभी कोई बोलता है, पेड्रो मारिचेनेस। और अब वह दोनों देखते हैं कि वहाँ पर उनका स्पोर्ट्स टीचर खड़ा होता है। अब काजेहाया बोलता है, पिन सेंसे, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब पिन उसे बताता है कि तुम्हारे क्लास टीचर को अपने घर पर कुछ काम था, तो उसकी आज की क्लास मैं लूँगा। और अब वहाँ पर पिन जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं पर सावाको को पेड्रो मारिचेनेस नाम काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और वह सोच रही होती है वह उस पपी को मारू बुलाएगी। अब पिन वहाँ पर सावाको को देखता है और सोचने लगता है, यह वही लड़की है जिसके बारे में जिन ने मुझे बताया था। और अब पिन सावाको को आवाज़ लगाता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। सावाको भी उसकी आंखों में देखने लगती है। अब पिन सावाको की आंखों में 3 सेकंड तक देखता है और बोलता है, देखो, मैं सच में एक ब्रेव पर्सन हूँ और यह करने के बाद भी मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। और अब पिन वहाँ से चला जाता है। वहीं यह सब देखकर योशिडा बोलती है, पिन का ईगो सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तभी यानो बोलती है, इसमें सावाको का फ़ायदा है, क्योंकि अब यह रूमर्स फैलेंगे कि पिन ने सावाको की आंखों में देखा और उसे कुछ नहीं हुआ, जिससे सावाको और भी दोस्त बना सकती है। और अब यानो की बात सुनकर वहाँ पर काजेहाया भी सावाको की आंखों में देखने लगता है, पर वहाँ पर काजेहाया 3 सेकंड से ज़्यादा सावाको की आंख में नहीं देख पाता और वह शर्मा जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि योशिडा सावाको को अपने मिडिल स्कूल के बारे में बता रही होती है। और अब योशिडा उसे बताती है कि रियू, काजेहाया और योशिडा एक ही मिडिल स्कूल में थे और योशिडा हाई स्कूल के पहले ही दिन से यानो के साथ बैठ रही है, जिससे वह दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए हैं। अब सावाको बोलती है, तो क्या काजेहाया स्टार्टिंग से ही ऐसा ही है? योशिडा उसे बताती है कि हाँ, काजेहाया स्टार्टिंग से ही ऐसा ही है, क्योंकि वह किसी से भी बात करने में थोड़ा भी नहीं हिचकिचाता और वह पूरी क्लास को जल्द ही अपना दोस्त बना लेता है। वहीं पर यह सब सुनकर सावाको काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अब योशिडा सावाको को बताती है कि मिडिल स्कूल में सभी लड़कियाँ काजेहाया के पास बैठने के लिए एक दूसरे से आपस में फाइट किया करती थी। यह सुनकर वहाँ पर यानो हंसने लगती है और बोलती है, क्या सच में? वहीं इससे सावाको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है और बोल रही होती है, अभी मुझे काजेहाया जैसा बनने में काफ़ी टाइम लगेगा। और तभी सावाको वहाँ पर काजेहाया को किसी लड़की से बात करते हुए देखती है। अब सावाको सोचने लगती है, काजेहाया सच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, यहाँ तक कि दूसरे क्लास की लड़कियाँ भी उससे बात करने के लिए आती है। अब हमें दिखाया जाता है कि क्लास में पिन उन सभी से बोल रहा होता है, मैं आज सुबह तुम सभी की अटेंडेंस नहीं ले पाया, तो आज तुम में से किसी एक को स्कूल के बाद रोककर इस अटेंडेंस को कंप्लीट करना होगा। यह सुनकर वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, नहीं, हम यह नहीं करेंगे, क्योंकि जिन सेंसे यह काम अपने आप ही करते थे। पिन बोलता है, तो क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम सभी के एब्सेंट लगा दूँ? और अब यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, पर अभी भी वहाँ पर कोई भी यह काम करना नहीं चाहता है। और तभी सावाको अपना हाथ उठाकर बोलती है, मैं यह करने के लिए तैयार हूँ। तभी काजेहाया बोलता है, मैं भी मदद करूँगा, अगर हम दोनों मिलकर यह काम करेंगे तो यह जल्दी ख़त्म हो जाएगा। यह देखकर वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स काफ़ी हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, क्या काजेहाया सावाको की मदद करना चाहता है? और तभी वहाँ पर बैठा एक लड़का बोलता है, मैं भी मदद करूँगा। यह सुनकर वहाँ पर सावाको काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वहीं पर यह सब देखकर पिन काफ़ी गुस्से में होता है और सोच रहा होता है, आखिर इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है? यह सभी लोग यह काम करने के लिए इतनी जल्दी तैयार कैसे हो गए? मुझे इन सभी का कुछ करना ही होगा। और अब पिन चिल्लाते हुए बोलता है, काजेहाया, स्कूल ख़त्म होने के बाद मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे बात करो। अब हमें दिखाया जाता है कि सावाको स्कूल ख़त्म होने के बाद वहाँ पर क्लास में अकेली बैठी सभी का अटेंडेंस लगा रही होती है। वहीं पर वह सोच रही होती है कि किस तरह आज काजेहाया उसकी मदद करने के लिए आगे आया था। और अब हमें दिखाया जाता है कि फैसिलिटी रूम में
पिंक काजेहाया से कुछ बात कर रहा होता है और तभी वहां पर पिंक के पेट में दर्द होता है और वह बाथरूम की ओर भागता है। इस मौके का फायदा उठाकर काजेहाया वहां से निकलकर साबाको के पास आ जाता है और बोलता है, पिंक अभी थोड़ी देर तक बिजी रहेगा तो इस बीच मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देता हूँ। अब साबाको काजेहाया को थैंक्स करती है। काजेहाया बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं। साबाको बोलती है, नहीं मुझे तुम्हें थैंक्स करने दो, मैं आज के लिए तुम्हें थैंक्स करना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा आज का दिन काफी अच्छा गया है। काजेहाया बोलता है, पर मैंने इसमें अभी तक कुछ भी नहीं किया। मेरे ख्याल से क्लास के सभी लोग इस अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उन लोगों को तुमसे बात करने का मौका मिले। अब काजेहाया साबाको के हाथ से डायरी लेकर उस पे काम करने लगता है और तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है और पिंक काजेहाया को दोबारा बुला लेता है। और अब अनाउंसमेंट सुनकर काजेहाया वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ पर दो लड़कियाँ आती है। अब साबाको उनकी ओर देखती है, तभी वह दोनों काफी ज्यादा डर जाती है। अब साबाको सोचने लगती है, यह हिरानो और इंडो है। और अब साबाको को याद आता है कि काजेहाया ने उसे कहा था, सभी लोग तुमसे बात करने की अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं, बस तुम्हें उन लोगों को एक मौका देना चाहिए। अब साबाको वहाँ पर खड़ी होती है और बोलती है, अगर तुम्हें कुछ बुरा ना लगे तो क्या तुम थोड़ी देर मुझसे बात करना चाहोगी। अब वहाँ पर साबाको को देखकर वह दोनों काफी ज्यादा डर जाती है। साबाको बोलती है, मैं तुम दोनों के लिए सीट तैयार करती हूँ। तभी वह दोनों बोलती है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं। अब यह सुनकर वहाँ पर साबाको सोचने लगती है, लगता है मैंने इस बार भी यहाँ पर सब कुछ खराब कर दिया। तभी वह दोनों बोलती है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, हम अपने डेस्क खुद लगा लेंगे। और अब वह दोनों साबाको के पास डेस्क लगाकर बैठ जाते हैं और बोलते हैं, तो क्या तुम किसी बात को लेकर हमसे गुस्सा हो। साबाको बोलती है, नहीं क्यों क्या हुआ। अब वह लड़की बोलती है, नहीं मैंने ऐसे ही पूछा, क्योंकि जब भी हम तुम्हें देखते हैं तुम हमें काफी ज्यादा गुस्से में लगती हो और तुम्हें देखकर हमें ऐसा लगने लगा था कि शायद तुम्हें अकेले रहना ज्यादा पसंद हो। पर फिर योशिडा ने हमें बताया कि तुम हम सभी से बात करना चाहती हो पर हर बार हम तुम्हें इग्नोर कर देते हैं, इसी वजह से तुम हमसे बात नहीं कर पाती हो। और तुम हर सुबह हमें ग्रीट करती हो पर हम कोई रिप्लाई नहीं करते, इसके लिए प्लीज तुम हमें माफ कर दो। तो क्या यहाँ पर हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं। और अब यह सुनकर वहाँ पर साबाको रोने लगती है। यह देखकर वह दोनों बोलती है, तुम रो क्यों रही हो। साबाको बोलती है, नहीं कुछ भी नहीं, मैं अभी इस वक्त काफी ज्यादा खुश हूँ। और अब वह तीनों बैठकर वहाँ पर काफी सारी बातें करते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि अपना काम खत्म करने के बाद साबाको जा रही होती है और तभी वहाँ पर काजेहाया आता है और बोलता है, तो तुम्हारा काम खत्म हो गया। साबाको बोलती है, हाँ हिरानो और एंडो ने मेरी मदद की। काजेहाया बोलता है, मैं यह सुनकर काफी ज्यादा खुश हूँ। अब साबाको काजेहाया को थैंक्स करती है और बोलती है, काजेहाया तुम ही मुझे हर बार स्ट्रेंथ देते हो जिससे मैं सभी लोगों से बिना डरे बात कर पाती हूँ। काजेहाया बोलता है, मेरे ख्याल से अभी तक तुम्हें इस बात का रियलाइज नहीं हुआ है कि हाँ नो योशिडा, हिरानो और एंडो ने जब यह देखा कि तुम उनसे दोस्ती करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रही हो तो वह सभी तुम्हारी ओर अट्रैक्ट हुए। तुम्हें अभी तक रियलाइज नहीं हुआ कि तुम अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ रही हो और अब टाइम के साथ साथ तुम और भी अच्छे दोस्त बना पाओगी। और अब यह सुनकर वहाँ पर साबाको काफी ज्यादा खुश होती है। वहीं एक जगह से छुपकर एक लड़की उन्हें देख रही होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि साबाको अपनी क्लास में बैठी पढ़ रही होती है और तभी वहाँ पर हानो और योशिडा आती है और बोलती है, तो अब हिरानो और एंडो भी तुम्हारी अच्छी दोस्त बन चुकी है। साबाको बोलती है, हाँ यह सब तुम लोगों की वजह से हुआ है क्योंकि तुम ही दोनों ने उन्हें मेरी बारे में अच्छी बातें बताई जो जानकर वह मुझसे बात करने के लिए आई। और अब यह सुनकर वहाँ पर योशिडा रोने लगती है और बोलती है, तुम सच में काफी काइंड पर्सन हो। अब हानो बोलती है, वैसे साबाको यह तुम कौन सी किताब पढ़ रही हो। साबाको बोलती है, यह एक हॉरर स्टोरी है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ पर मौजूद किसी की भी एक्सपेक्टेशन पर खड़ी ना उतरूं, इसीलिए मैं गोश्त के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। अब क्लास में सभी साबाको की यह बात सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, साबाको सच में काफी ज्यादा अजीब है। अब हमें दिखाया जाता है कि क्लास में सभी लोग बैठकर पढ़ रहे होते हैं और तभी काजेहाया एक पर्ची पर कुछ लिखकर साबाको की ओर फेंकता है। साबाको उस पर्ची को देखती है, तभी काजेहाया उस पर्ची की ओर इशारा करता है। यह देखकर वहाँ पर साबाको काफी ज्यादा खुश होती है और यानो और रियू की ओर देखने लगती है। अब साबाको उस पर्ची को उठाकर रियू की डेस्क पर रख देती है और तभी काजेहाया जल्दी से वहाँ से उस पर्ची को हटाता है। अब यह देखकर उसका टीचर बोलता है, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो काजेहाया। काजेहाया बोलता है, मैंने यहाँ पर बस एक मच्छर को मार दिया। अब यह सुनकर वहाँ पर क्लास में सभी लोग हंसने लगते हैं। वहीं पर साबाको सोचने लगती है, वह पर्ची मुझे यानो को देनी थी, मैं सच में बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ। और तभी काजेहाया दोबारा उस पर्ची को फेंकता है। अब साबाको देखती है कि उस पर्ची पर लिखा होता है, यह पर्ची तुम्हारे लिए है साबाको। अब साबाको उस पर्ची को खोलकर देखती है तो उसमें लिखा होता है, आज मैं स्कूल खत्म होने के बाद घर जाकर मारू को लेकर वॉक पर निकलूंगा, तो अगर तुम उस टाइम पर फ्री हो तो क्या तुम हमें रिवर के पास मिलोगी। और अब साबाको भी एक पर्ची लिखकर काजेहाया को देती है जिसमें लिखा होता है, ठीक है मैं रिवर के पास पहुंच जाऊंगी। अब हमें दिखाया जाता है कि साबाको कुछ पेपर्स लेकर टीचर्स रूम में जा रही होती है। वहीं वह सोच रही होती है कि इन पेपर्स का प्रिंट आउट निकालने के बाद मैं घर जा पाऊंगी, जिसके बाद मुझे काजेहाया से मिलने के लिए भी जाना है।
और तभी उसके हाथ से वह सभी पेपर गिर जाते हैं। अब सावा को उन पेपर्स को उठाने लगती है और बोलती है, मुझे खुद पर काबू रखना होगा और जल्दी अपने काम खत्म करने होंगे। और तभी वहां पर एक लड़की आकर सावाको की मदद करती है। सावाको उसे थैंक्स करती है और अब वह लड़की वहां से चली जाती है। अब उस लड़की को देखकर सावाको सोचने लगती है, यह लड़की सच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, बिल्कुल किसी डॉल की तरह। अब हमें दिखाया जाता है रिवर के पास खड़ी होकर सावाको काजेहाया का इंतजार कर रही होती है और तभी वहां पर काजेहाया मारू के साथ आता है। अब मारू काफी तेजी से सावाको की ओर भागने लगता है, वही मारू को देखकर सावाको भी उसकी ओर भागने लगती है। अब सावाको मारू को गले लगाने के लिए अपने हाथ फैलाती है, तभी मारू जंप करके सावाको के हाथ के बैक को बाइट करता है। अब यह देखकर सावाको सोचने लगती है, मेरा प्लान काम कर गया। और अब सावाको अपने बैग से निकालकर मारू को खाने के लिए एक हड्डी देती है। अब काजेहाया बोलता है सावाको, वैसे तुम इस टाइम पर करती क्या हो? सावाको बोलती है, इस टाइम पे मैं स्टडी करती हूँ। काजेहाया बोलता है, मैं यह नहीं पूछ रहा, मैं यह बोल रहा हूँ कि जिस वक्त तुम काफी ज्यादा बोर हो जाती हो उस वक्त तुम क्या करती हो? सावाको बोलती है, उस वक्त भी मैं पढ़ाई ही करती हूँ। अब काजेहाया बोलता है, तुम सच में कमाल की हो, मैं कभी भी अपनी स्टडी पे इतना ज्यादा फोकस नहीं कर पाता हूँ। सावाको बोलती है, एक्चुअली में मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं था और सभी मुझसे डरते थे और कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना पूरा ध्यान स्टडी में लगाऊं, जिसके बाद मेरे नंबर काफी ज्यादा अच्छे आएंगे और मैं पूरे स्कूल में फेमस हो जाऊंगी, फिर सभी लोग मुझसे बात करने के लिए आएंगे। अब हमें दिखाया जाता है कि सावाको और काजेहाया वहां से जाने लगते हैं। तभी काजेहाया बोलता है, वैसे सावाको क्या तुमने अभी तक मारू के बारे में किसी को बताया है? सावाको बोलती है, नहीं मैंने किसी को भी नहीं बताया। काजेहाया बोलता है, तो ठीक है, मैं भी मारू के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, यह हम दोनों का सीक्रेट है कि हम दोनों मिलकर एक साथ मारू को पाल रहे हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन क्लास में बैठी सावाको पढ़ रही होती है और तभी काजेहाया उसके पास आता है और बोलता है, सावाको क्या तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मेरी मदद करोगी, क्योंकि मैं भी एग्जाम में तुम्हारे जितने नंबर लाना चाहता हूँ। और अब वहाँ पर सावाको काजेहाया को उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताती है और तभी वहाँ पर हानो और योशिडा यह सब देखते हैं और उनके पास आकर बोलते हैं, तो सावाको क्या तुम इस वक्त काजेहाया को कुछ पढ़ा रही हो? और अब वह दोनों सावाको को उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखती है और काफी हैरान हो जाती है। यह देखकर काजेहाया बोलता है, तुमने तो इस क्वेश्चन को काफी आसानी से सॉल्व कर दिया सावाको। और अब वहाँ पर हानो और योशिडा भी कई सारे क्वेश्चंस को सावाको से सॉल्व करना सीखते हैं। वहीं क्लास के सभी स्टूडेंट्स यह सब देख रहे होते हैं और सोचने लगते हैं, तो क्या अभी इस वक्त सावाको काजेहाया हानो और योशिडा को पढ़ा रही है? और अब वहाँ पर एक एक करके सभी लोग सावाको से क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आने लगते हैं और अब वहाँ पर पूरी क्लास सावाको के पास जमा हो जाती है और अब वहाँ पर सभी लोग सावाको को थैंक्स करते हैं, जो देखकर सावाको काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है, फाइनली मैं किसी के काम आई। यह सुनकर वहाँ पर सभी हंसने लगते हैं और बोलते हैं, तुम सच में काफी अजीब हो सावाको। और अब उन सभी को हंसता हुआ देखकर सावाको वहाँ पर स्माइल करती है। सावाको की उस स्माइल को देखकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि स्कूल खत्म होने के बाद काजेहाया अपने घर जा रहा होता है और तभी पीछे से भागती हुई सावाको आती है और बोलती है, आज के लिए मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहती हूँ। काजेहाया बोलता है, अब धीरे धीरे तुम्हारी इच्छा पूरी हो रही है, मैं यह देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ। सावाको बोलती है, मैं भी काफी ज्यादा खुश हूँ, पर यह तभी पॉसिबल हो पाया जब तुम मुझसे पहली बार मदद मांगने के लिए आए, और मुझे पता है कि तुम मेरे मुंह से थैंक्स सुन सुनकर पक चुके हो, पर फिर भी मैं तुम्हें थैंक्स करना पसंद करूंगी। और तभी वहां पर काजेहाया का दोस्त उसे बुलाता है, पर इस बार काजेहाया उन्हें इग्नोर कर देता है और अब उसके दोस्त वहां से चले जाते हैं। अब काजेहाया बोलता है, सच कहूं तो सावाको, उस वक्त मैं काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा था, क्योंकि उस वक्त सिर्फ मुझे ही पता था कि तुम सभी को अच्छी तरह टीच कर सकती हो और मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे अलावा किसी और को टीच करो, पर इस वजह से क्लास के सभी स्टूडेंट्स तुम्हारे पास आए, जिससे तुम्हें काफी खुशी हुई। अब हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में यानो और योशिडा वहां से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और तभी वहां पर वह दोनों दो लड़कियों को आपस में बात करते हुए सुनते हैं कि तुम उसी योशिडा की बात कर रही हो ना, जो क्लास डी में पढ़ती है, वह एक डिलिक्वेंट लड़की है और जो हमेशा यानो के साथ रहती है। मुझे पता चला कि मिडिल स्कूल में उसके 100 बॉयफ्रेंड्स थे। और अब वह सभी लोग वहां पर जोर जोर से हंसने लगती है। तभी वहां पर योशिडा काफी गुस्से में आती है और बोलती है, तो तुमने यह बात कहां से सुनी? अब योशिडा उस लड़की के पास जाकर बोलती है, तो मुझे जल्दी बताओ कि तुमसे यह बात किसने कही? वह लड़की बोलती है, पूरे स्कूल में तुम्हारे बारे में यही बात फैली हुई है। योशिडा बोलती है, मैं यह नहीं पूछ रही, मैं यह जानना चाहती हूँ कि यह बात कहाँ से स्टार्ट हुई और मुझे बताओ कि यह बात किसने स्टार्ट की। और तभी वह लड़की बोलती है, साडा को। यह सुनकर वहां पर यानो और योशिडा काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो